कृषि कानून विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के बैनर तले किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के ग्राम केलवारा कला से होते हुए कन्हवारा पहुंचकर कृषि कानून के बिल को जलाया गया। बात की जाए तो पूरे देश में कृषि कानून को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून के विरोध में, वहीं कटनी में भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मिथिलेश जैन ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट किसानों के पक्ष में सही निर्णय नहीं देती तो इसकी अपील की जाएगी और न्याय मांगा जाएगा। दूसरी तरफ किसानों ने कहा कि हमें किसी भी राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। मैं श्याम सुंदर तिवारी ग्राम घंघरी का किसान हूँ। हमारा शासन से सरकार से ये निवेदन है कि हमारा जो उचित मूल्य है फसल का, जो मतलब दाम है, वो हमें दिलाने की दया करें। मैं जो कि हमें जैसे हर चीज़ का दाम बनते हैं, आज एक माचिस बनाने वाला, एक सुई बनाने वाले, उसके एक निर्धारित एक सीमा होती है। हमारी अनाज को एक दलाल बेचता है, हम दूरे खड़े रहते हैं। तो हमारा निवेदन है सरकार से, आप सब कानून कौन कौन से उसके पक्ष में है कि विरोध में है? देखिए, हमें उस कानून से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम किसान हैं, कोई नेता नहीं है, अभिनेता नहीं है। हमें अपने हक के लिए लड़ाई, हक का मतलब ये है कि जैसे हर चीज़ का एक मूल है, माचिस का, मतलब किसी भी चीज़ की ले लो आप, एक ट्रैक्टर का, कोई भी सरकार का, कोई भी एजेंसी उसको तैयार करती है, उसका एक मूल निर्धारित करती है। तो हमारा ये कहना है शासन से कि हमारा इसी तरह का मूल हो कि आपका ये अनाज कितने में बिकेगा। खाद देखते हैं आप, खाद 1500 रुपये बोरी, 14, हर चीज़ में बढ़ा रहे हैं। अब तो किसानों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने लगा है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है, जहाँ जाए हमारा यही निवेदन है, मतलब सरकार से, कि हमारी न्याय किया जाए। हम आज इसीलिए आए थे कि हमारे हमको न्याय मिले। अच्छा, जिस प्रकार से किसानों के में अब राजनीति छा गई है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हम राजनीति तो है नहीं, ना हम कोई मतलब नेता हैं, हम एक किसान आदमी हैं। अब रह गई, आप चार लोगों के बीच में हैं तो आ गए हैं, बाकी हमें तो अपने हक की लड़ाई हमें लड़ना। क्या नाम है? श्याम सुंदर तिवारी, ग्राम घंघरी खुद। कानूनों को आप निरस्त करिए। दूसरा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP है उसको लागू करने के लिए कानून बनाइए। आज कृषि उपज मंडी कटनी में 1975 रुपये गेहूँ का MSP है, लेकिन जब किसान का गेहूँ 1400 और 1500 रुपये बिकता है तो उस किसान की आंखों से आंसू बहते हैं। तो आज आप ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि MSP से कम पर जो खरीदेगा वो जेल जाएगा? ऐसा कानून नहीं बनाती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, क्या किसान उस कमेटी के मेंबर बनेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसानों से पूछे कमेटी बना दी, और दुर्भाग्य की बात है कि कल से जब से ये कमेटी के नाम आए, चारों सदस्यों के नाम ऐसे हैं जो कि कृषि कानूनों के पक्ष में अपनी बात पहले ही कह चुके हैं। तो जो व्यक्ति पहले ही पक्ष की बात कर चुका है, वो निष्पक्ष रूप से कैसे रिपोर्ट देगा अपनी? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, क्या वह सभी लोग मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कोई फैसला दिया है तो क्यूरेटिव पिटीशन भी लगती है, पुनर्विलोकन भी होता है। तो अगर कोई त्रुटि होगी, तो अगर किसान कह रहे हैं कि इस कमेटी को हम नामंजूर करते हैं, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट उस बात पर जरूर विचार करेगा।